हेलो माय वेरी डियर्स, ये मैं फाउंडेशन स्टूडेंट्स. आप लोगों का एग्जाम इज इन जून, राइट? अभी दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव द जून एग्जाम ऑफ सीएमए फाउंडेशन. एंड ये वीडियो स्पेशली रिलेटेड टू मैथ्स है, क्योंकि मैथ्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो फॉर दैट आई हैव टेकन अप दिस वीडियो कि आप लोगों को समझेगा एक बहुत बेसिक चीज़ है मैथमेटिक्स के बारे में. नाउ सबसे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. वेलकम बैक टू आकाश अग्रवाल क्लासेस चैनल. दिस इज सीए श्रुति अग्रवाल. एंड आज का वीडियो बीच से छोड़ो मत, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है मैथ्स की देखने वाले. और ऐसे लगा वीडियो ने हेल्प कर दी है आपकी, थोड़ी बहुत मैम ने मदद कर दी है, तो वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करना. दूसरी चीज़, सबसे मोस्ट फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, मतलब पढ़ाई चालू करने से पहले कहाँ से चालू करें मैथ्स. क्योंकि जब हम मॉड्यूल को देखते हैं तो कुछ तो सीक्वेंस होता है, अर्थमेटिक लिखा है और अलजेब्रा लिखा है, ये सब हमको अच्छा ही लगता है देख के. इन दैट द केस नी नॉट टू वरी, आई एम गोइंग टू इन दिस वीडियो गिव यू अ परफेक्ट सीक्वेंस. परफेक्ट सीक्वेंस एंड लास्ट में बहुत 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 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए फॉर ऑल द सब्जेक्ट. सो डोंट मिस द अनाउंसमेंट. नाउ कहाँ से हमने पढ़ाई चालू करनी चाहिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर होता है परफेक्ट सीक्वेंस. मैथ्स यार एक बहुत ही आर्टिस्टिक सब्जेक्ट है और उसका एक अपना सीक्वेंस है. अब अगर आप वो सीक्वेंस में जाओगे ना, आपके लिए मैथ्स लिटिल ईजी हो जाएगा. अब हम वेब सीरीज देखते हैं तो फर्स्ट एपिसोड इज कनेक्टेड टू द सेकंड एंड द सेकंड इज कनेक्टेड टू द थर्ड एंड लाइक वाइज. अब होता क्या है ना, हम पहले पूरा मैथ कर लेंगे फिर पूरा स्टैट्स कर लेंगे तो किसी एक पे ज़्यादा प्रेशर आता है. कुछ टॉपिक आपस में लिंक्ड होते हैं वो हमको समझ नहीं आती क्योंकि हमने वो वाला पार्ट देखा ही नहीं, तो पार्ट फोर कहाँ से समझेगा. सो दैट्स द रीजन दिस वीडियो इज सो इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका परफेक्ट सीक्वेंस क्या होगा मैथ्स पढ़ने का. सो आई एम गोइंग टू गिव यू द लिस्ट ऑफ द चैप्टर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की देखो पहले आपने ये पढ़ना चाहिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये. तो मैं आपका बैलेंस भी कर रही हूँ मैथ्स और स्टैट्स, इंपॉर्टेंस वाइज भी अरेंज कर रही हूँ उनको, और आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, एक साथ हैवी ना हो. ये सारी चीज़ें करके, कौन सा चैप्टर किससे लिंक है, ये सब एनालिसिस करके आई एम गिविंग यू दिस सीक्वेंस. सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सीक्वेंस एंड फॉलो द सीक्वेंस. ट्रस्ट मी 500% आई एम श्योर कि आपको इससे बहुत मदद मिलेगी. सबसे पहला टॉपिक बेटा जो आप लोगों ने करना चाहिए वो है रेशियो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन. यार मॉड्यूल में अगर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दिया है तो ऐसा नहीं बोला है कि आपको वही सीक्वेंस फॉलो करना है. दिक्कत क्या होती है ना, रेशियो प्रपोर्शन के बाद हम चले जाते हैं वो लॉग और वो इंडाइसेस पे, ना हमको लॉग का एल आ रहा है ना इंडाइसेस का आई आ रहा है, प्रॉब्लम हो गई ना. और फिर हमको लगता है मैथ्स कैसे होगा पास, ये प्रॉब्लम आती है. ठीक, इसीलिए ये आपको सीक्वेंस फॉलो करना है, मैंने एकदम प्यार से सही से अरेंज करके दिया. सेकंड आपको है ना एक सेट्स थ्योरी करके बहुत ही क्यूट सा छोटा सा चैप्टर है, आता भी बहुत मार्क्स के लिए नहीं है, पर बात समझो ये अगर जब सेट्स खत्म हो जाता है ना, इतना सिंपल टॉपिक है वो, और आपको ऐसे लगता है कि हाँ एक और चैप्टर खत्म हो गया, वो मोटिवेशन देना पड़ता है खुद को. वो जब ऐसी स्थिति पे होना भी आपकी, मेरा पूरा मैथ्स बाकी यार बहुत टेंशन हो रही, हो पाएगा क्या. ये क्वेश्चन को डील करने के लिए कई बार आपको क्वांटिटी भी लगती है, यहाँ एक चैप्टर हो गया, दो चैप्टर हो गया, ऐसे अंदर से सबकॉन्शियसली मन को एक तसली पहुँचती कि हो गया एक और चैप्टर डाउन, वन मोर चैप्टर डाउन, वन मोर चैप्टर डाउन. दिस हेल्प्स टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, राइट. और अगर आपको कोई भी चैप्टर में दिक्कत है तो मैंने नीचे दी हुई प्लेलिस्ट, दो दो प्लेलिस्ट हुई है, एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट है, एक पिछले सक्सेस बैच की प्लेलिस्ट है. तुम कोई भी देखो, दोनों देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और लास्ट में मैं सक्सेस बैच रिलेटेड बहुत प्यारा अनाउंसमेंट करने वाली आप लोगों के लिए. थर्ड चैप्टर अब आप जाएंगे स्टैटिस्टिक्स पे. स्टैटिस्टिक्स में जो पहला चैप्टर है डिस्क्रिप्शन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बोलते होंगे आप उसको, वो वाला चैप्टर. अ थियोरेटिकल चैप्टर, सिंपल चैप्टर बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. वेरी सून आई बी ब्रिंगिंग अप सम वीडियोज लाइक एबीसी एनालिसिस एंड ऑल. फोर्थ इज सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस.
ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको मिडल में करेंगे, ना स्टार्ट में ना एंड में। हम उसको ऐसे फेज में करेंगे जब आप मैथ से थोड़े थोड़े कंफर्टेबल हो गए और आप परेशान भी नहीं हो गए, क्योंकि एंड एंड में हम थोड़े परेशान से हो जाते हैं, तो हम इसको मिड में करेंगे। आप समझ लो कितना लॉजिकली डिराइव्ड सीक्वेंस है ये। फिर हम आएंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर पे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कोर मैथमेटिक्स का, और इसकी लिंकिंग स्ट्रेट जाती है प्रोबेबिलिटी पर। आपको पीएनसी आ गया तो प्रोबेबिलिटी में मदद मिलती है, अगर हमने पीएनसी किया ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी में दिक्कत आएगी आप लोगों को, राइट। फिर आप आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करके एक चैप्टर है, बहुत छोटा सा, तुच्छ सा मेरे लैंग्वेज में, अ सिंपल वन। क्वाड्रेटिक के बाद हम आएंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जनरली टॉपिक बच्चों को डरावना लगता है, मेरे को नहीं समझता है क्यों डरावना लगता है। मैं अगेन कह रही हूँ, मैंने सारे पास आपके जो MTPs आए हुए, सारे MTPs लिए हुए हैं, मैंने प्लेलिस्ट में लिंक डाली है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे आप वीडियोज़ देखेंगे, मैंने डिटेल रिविजन भी डाला है, मैंने सक्सेस बैच भी डाला है। सक्सेस बैच में हमने इंस्टीट्यूट के दिए हुए MTPs भी सॉल्व करवाए हैं, वो भी चैप्टर वाइज। मस्ट गो थ्रू प्लेलिस्ट है बेटा, वो करना ही चाहिए आपने। एंड आई डू हैव स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 100 on 100 इन CMA फाउंडेशन मैथ्स, सो ट्रस्ट मी, मैं आपको जो भी बोल रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस के साथ समझा रही हूँ, जो बच्चे को मोस्ट ईजी तरीका है वो बता रही हूँ आप लोगों को यहाँ। इसके बाद अब आपका एक ही चैप्टर बचा है स्टैटिस्टिक्स का, वो है कोरिलेशन एंड रेग्रेशन, आप वो खत्म करेंगे। फिर आप आएंगे आपके AP एंड GP पे, एंड फिर आप लास्ट में आएंगे लॉग एंड इंडाइसेस पे। ये चैप्टर हमको वैसे भी अच्छे नहीं लगते, हम कितना भी पढ़ लो इधर कुछ तो प्रॉब्लम होने वाला है उसे, चाहे तुम ना उसको स्टार्ट में पढ़ो ही मत, उसकी वजह से पूरी मैथ्स की तुम बैंड बजा देते हो। तुम यही सीक्वेंस फॉलो करोगे, और जितना मैं बोल रही हूँ उतना करो, अच्छे मार्क्स चाहिए तो आई विल बी विथ यू थ्रू आउट ऑल द पीरियड, थ्रू आउट होल ऑफ द जर्नी टिल योर एग्जाम्स, एग्जाम के दिन तक मैं आपके साथ हूँ। आकाश अग्रवाल क्लासेस इज विथ यू, यू जस्ट हैव टू वन थिंग इज द फॉलो करो जो मैं बता रही हूँ, आपके 500% बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड ऐसे लगता है वीडियो से हेल्प हुई है, उसको आप जरूर लाइक करेंगे, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, यार अपने सारे ग्रुप्स पे डाल दो, बच्चा सच में बहुत परेशान होता है, मेरे को इंडिविजुअली इतने बच्चे पूछते चालू कहाँ से करना है, इतना तो बता दो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुश है आपके लिए। स्टार्ट गलत हो जाता है ना, अगर स्टार्ट में ही बड़ा खड्डा आ जाता है ना, तो टाइम लगता है ऊपर आने के लिए। ये एकदम स्वीट फ्लो, एकदम स्मूथ फ्लो है। सो डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर ग्रुप्स, ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, लेट देम अंडरस्टैंड। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स की लिंक डाले हुए, और डोंट फॉरगेट हमारा सक्सेस बैच सीजन 2 फॉर ऑल द सब्जेक्ट इज कमिंग वेरी सून, और इसका अनाउंसमेंट है 10th ऑफ मार्च को। प्रीवियस सक्सेस बैच से बच्चों को इतना ज़्यादा सक्सेस मिला है, वी हैव कवर्ड सो मैनी MCQs, ऑल द कॉन्सेप्ट और मोर और लेस सारे सब्जेक्ट हुए, और बच्चे बहुत प्यारे प्यारे मार्क्स लाए। सो अब जिनका जून में अटेम्प्ट है आपके लिए, हम फिर आएंगे इसका अनाउंसमेंट लेके ऑन 10th ऑफ मार्च। स्टे ट्यून टू द चैनल ताकि आपको अपडेट मिलेगा कितने बजे आ रहे हैं हम, एंड ओनली अ फ्यू डेज टू गो, 3 days टू गो। So see you all very soon. If you need anything else, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो थैंक यू बोल देना, लव द वीडियो बोल देना, बहुत अच्छा है बहुत हेल्पफुल यू बोल देना, तो आई गेट मोटिवेटेड कि यार हाँ आपको मदद हो रही है। सो आई विल प्रिपेयर मोर, आई थिंक ऑफ इट कि बच्चा कहाँ अटक सकता है, एंड आई विल प्रिपेयर मोर वीडियोज, राइट। सी यू ऑल, बाय बाय, लव यू ऑल।